Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. आप देख रहे हैं InfoTalk with Sir Zubair. आज का जो हमारा content है वो हमारा unit number 2 यानी कि festivals of Pakistan है. जैसा कि आपके knowledge में है कि exams जो हैं वो almost जो हैं वो exam finalize हो चुके हैं. Date जो है वो भी announce होने वाली है. बल्कि almost जो है वो 22 ने announce कर दी है. तो इस चीज़ के पेशे नज़र जो है अब हमें बहुत ज़्यादा concentration के साथ जो है इन topics को जो है वो ख़त्म करना है. ठीक है, और इससे बेशतर कि हमारा time जो है आगे हम और ज़्यादा खेलो, आइए अपने chapter का जो है हम topic का हम start करते हैं. जैसे कि आपको पहले बताया कि आज का जो हमारा topic है वो है festivals of Pakistan. ये examination point of view से उन अहम चैप्टर्स में से एक है जिनमें से आपको ट्रांसलेशन जो है वो किसी भी पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लाजमी जो है वो दी जाती है. तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं. अ फेस्टिवल इज़ अ पब्लिक सेलिब्रेशन, कि एक त्यौहार एक अवामी तकरीब होता है. ऑफ एन इवेंट, किसी भी ऐसे मौके का. टू क्रिएट अ सेंस, जो पैदा करता है एहसास को. ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का. सेल्फलेसनेस, खुददारी का. पीस, अमन का. एंड सेक्रीफाइस अमंग द पीपल, और कुर्बानी का लोगों के दरमियान में. द सेलिब्रेशंस अलाउ द पीपल, कि ये तकरीबात जो हैं ये लोगों को इजाज़त देती हैं टू रिजॉइस, के वो इकट्ठे हो जाएं. बाय ब्रेकिंग द मोनोटोनियस रूटीन, तोड़ते हुए अपने अलग अलग रूटीन को. यानी कि उन्होंने अपनी जो हर बंदे की अपनी एक अलग रूटीन बनी हुई होती है, तो ये अपने जिसे हम कहते हैं कि अपनी इनफरादियत को ख़त्म करते हुए ये त्यौहार जो हैं लोगों को इकट्ठा होने का मौका जो है वो फराहम करते हैं. डेट हैज़ मेड द लाइफ डल, जिन्होंने बना दी होती है उनकी ज़िंदगी को इंतहाई बोर, डल, उकताहट से भरपूर और बोर, और बिल्कुल बोर बना दिया होता है. दे ब्रिंग द पीपल, ये त्यौहार जो हैं ये इकट्ठे लेकर आते हैं लोगों को. ऑफ डिफरेंट एरियाज़, इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ इलाकों से. क्लोज़र, और करीब लेकर आते हैं. टू क्रिएट अ कल्चरल हारमनी, ताकि एक सकाफती हम आहंगी जो है वो लोगों के दरमियान में पैदा हो जाए. ज़ाहिर बात है जैसे कि हमारे पंजाब की जो सकाफत है वो ये है कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम सब लोग जो हैं वो चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हों वो हम इकट्ठे जो हैं वो हो जाते हैं. जैसे ईद का मौका है, रमज़ान मुबारक का मौका है, छोटी ईद कुर्बान आ गई है, ईद उल फितर आ गई है. ख़ास तौर के ऊपर जो है जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसे त्यौहार हैं जो कि लोगों को जो है वो इकट्ठा कर देते हैं. अमंग देम, और उनके दरमियान एक बाहमी हम आहंगी जो है वो पैदा करते हैं. सम ऑफ़ द फेस्टिवल्स आर रिलीजियस, कुछ त्यौहार जो होते हैं वो मजहबी होते हैं. वाइल अदर्स कमेमोरेट द डीड्स ऑफ नेशनल हीरोज, जबकि बहुत सारे जबकि दूसरे त्यौहार ऐसे होते हैं जो याद दिलाते हैं. कमेमोरेट का मतलब होता है याद दिलाना. नेशनल हीरोज, कौमी हीरों की. एंड पोलिटिकल इवेंट्स, और वो सियासी वाक़ात के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं. अब यह सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो 14 अगस्त 1947 या हमारी तारीख का, हमारी आज़ादी का जो वो दिन है, तो ये हमारे लिए जो है हम एक बहुत यादगार जो दिन है. जैसे आप 28 मई जो है वो आपके लिए योम तकबीर जो है ये भी सियासी एतबार से जो मनाया जाता है, वगैरह वगैरह. अब इनमें जो अहम तरीन जो त्यौहार हैं वो कौन से हैं, इनमें शब बारात जो सबसे अहमियत का जो वह हामिल है. द शब बारात इज़ अ नाइट ऑफ ब्लेसिंग, कि शब बारात जो है एक रहमतों वाली रात है. इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 15th ऑफ शाबान, और ये मुनक्कद की जाती है, इसका एहतमाम किया जाता है, इसको मनाया जाता है 15 शाबान को. द 8th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, जो कि इस्लामी कैलेंडर के एतबार से 8वां महीना बनता है. द मुस्लिम्स एलिमिनेट देयर हाउसेस, एलिमिनेट का मतलब होता है जो चरागा करना, कि मुसलमान जो चरागा करते हैं अपने घरों में. पुराने वक्तों में जो है वो पहले दिए वगैरह जलाए जाते थे, इसके बाद फिर थोड़ी सी ट्रेडिशन जो है वो चेंज हुई, तो आप कह लेके जो बरकी कुमकुमे जो है वो लगाए जाना शुरू हो गए, और अब जो है बिल्कुल आप कह लेके मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जो लाइट्स हैं वो डेकोरेटिव लाइट्स हैं उनसे जो है घरों को सजाया जाता है. देयर हाउसेस एंड मसाजिद, मस्जिदों में, मसाजिद में और घरों में जो है वो इनको चरागा जो किया जाता है. स्पेशल नवाफिल्स आर ऑफर्ड, के खसूसी नवाफिल का एहतमाम किया जाता है. थ्रू आउट द नाइट, तमाम रात में. टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, ताकि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हासिल की जा सके.
after the fasting in the month of Ramadan, ke fast karte hain jo roze ko, ke jab Ramadan ke aur Mubarak ke roze jo khatam ho jate hain, the Muslims celebrate Eid al-Fitr, to Musliman jo hai wo Eid al-Fitr ka ehtimam karte hain, manate hain on the first of Shawwal, jo ke yakam Shawwal ko jo manai jati hai. The Eid prayers held mostly in the open area. Ke Eid ki jo namaz hai uska ehtimam zyada tar kiya jata hai. Mostly ka matlab hai jo zyada tar ehtimam kiya jana in the open areas, khule maidanon mein, is offered after sunrise, aur ye ada ki jati hai suraj talu hone ke baad. After the prayer, namaz ki adaigi ke baad, the Muslims greet one and another. Musliman ek dusre ko mubarakbad pesh karte hain, musafiha karte hain, mubarakbad dete hain. They spend the whole day enjoying, ki wo tamam din jo hai khushiyan manane mein guzar jate hain, and sharing Allah's blessings with fellow Muslims, aur wo share karte hain ek dusre ke sath, manate hain Allah taala ki rehmaton ko dusre musliman bhaiyon ke sath, yani ke jab bhi koi milta tha unko Eid Mubarak jo hai wo kehte hain. Eid Mubarak jo hai ye Allah taala ki rehmaton mein se jo hai wo ek rehmat ka jo hai tareeqa hai, hasil karne ka zariya hai. Hajj is one of the greatest event, ke hajj jo hai wo ek intihai ahem tarin mauka hai, ye tehwar hai, mauka hai, event hai. Millions of muslims from all over the world, ke lakhon ki tadad mein jo musliman hai wo puri duniya se ikatthe hote, gather ikatthe hote hain at arafat ke maidan mein, ye saudi arab ke andar hai, on the 9th of the zilhajj, aur ye 9 zilhajj ko jo hai wahan pe sab ikatthe hote hain, to bow before allah taala ke samne sajda raise hone ke liye. Bow ka matlab hota hai sajda raise hona, allah taala ke samne jhukna. Those who cannot go there, ke wo log jo wahan par nahi ja sakte hain, offer a special prayer, ke wo khususi ibadat ka ehtimam karte hain after the sunrise, suraj tulu hone ke baad, on the 10th of zilhajj, 10 zilhajj ko, and celebrate the eid ul azha ka ehtimam jo hai wo karte hain, manate hain. After the prayer, ke namaz ki adaigi ke baad, the Muslims greet one and another, ke musliman ek dusre ko Eid Mubarak kehte hain, musafiha kehte hain, and sacrifice a goat, sheep, cow or a camel, aur qurbani karte hain. Sacrifice ka matlab hai qurban karna. Goat kehte hain bakre ko, sheep bhed ko kaha jata hai, cow gaye ko kaha jata hai, and camel aur oont, camel jo hai wo zahir baat hai oont ko kaha jata hai, to honor the sacrificial tradition of the prophet Hazrat Ibrahim alaihi salam. Is ehtimam mein Allah taala ki yaad mein us qurbani ki riwayati andaaz mein jo ki Hazrat Ibrahim alaihi salam ne jo hai wo ada kiya. The meat is divided into three parts, ke jo gosht hai wo teen hisson mein taqseem kiya jata hai. One for the family, ek hissa jo hai wo khandan walon ke liye rakha jata hai. Other for the relatives, jabki dusra jo hai wo rishtedaron ke liye rakha jata hai. And the other for the poor, aur jo baki teesra hissa jo hai wo gareebon ke liye rakha jata hai. Eid Miladun Nabi is celebrated, ke Eid Miladun Nabi ka ehtimam kiya jata hai on the 12th of Rabiul Awwal, 12 Rabiul Awwal ko. And the birthday of the Hazrat Muhammad Prophet, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jo ke Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam ka yom e paidaish hai. The buildings and the bazaars are illuminated, ke imaraton ko aur bazaron ko chiragha kiya jata hai, wahan pe roshniyan ki jati hain. Seminars are conducted, mahafil ka jo hai wo ehtimam kiya jata hai, to induce the devotees, taki jo devotees ke andar ehtimam paida kiya jaye, ke to follow the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taki Hazur Pak sallallahu वसल्लम की जिंदगी मुबारक की जो है वो बेहतरीन अंदाज में पैरवी की जा सके. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको जो है हर लिहाज से तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी. मज़ीद मालूमात के लिए जो है अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जो मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो तमाम बच्चों तक जो है वर वक्त पहुँच सकें, और आपकी इम्तहान की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके. उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी आज की यह वीडियो जो है वो लाजमी पसंद ज़रूर पसंद आई होगी. अब सब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.